वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। मैं हूं आलोक। आज देखते हैं स्पेसिमेन प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में। स्पेसिमेन प्रिपरेशन टेक्निक क्या होता है, ठीक है? पहला देखते हैं स्पेसिमेन प्रिपरेशन। कोई भी टेस्ट करने के लिए हम लोग स्पेसिमेन सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है? तो कैसे कैसे किस किस टेक्निक का यूज करके हम लोग स्पेसिमेन बनाते हैं। पहला इंजेक्शन मोल्डिंग, पहला इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, दूसरा हाइड्रोलिक डाई पंच हो गया, और तीसरा टेक्निक हो गया काउंटर कटर मशीन। ये जो सैंपल बनाते हैं, स्पेसिमेन बनाते हैं, वो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का सैंपल कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, ठीक है? तो डंबल शेप कैसा होता है देखिए, ऐसे होता है डंबल शेप। ये डंबल शेप का होता है, ये जो शेप होता है ये डंबल शेप होता है, ठीक है? तो यही स्पेसिमेन बनाने का तीन मेथड है। पहला इंजेक्शन मोल्डिंग जो बनाते हैं वो हम एक मोल्ड का यूज करके बनाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। दूसरा हाइड्रोलिक डाई पंच, उसमें एक डाई होता है जिसको हम हिट करके इसको पंच करते हैं तो वो इस शेप में स्पेसिमेन कटिंग होता है। तीसरा काउंटर कटर, वो भी एक डाई होता है जिसमें हम लोग इसको इतना बड़ा स्पेसिमेन को हम लोग फिक्स कर देते हैं, और फिर उसका कटर होता है, कटर ऐसे 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 रोटेट करके इसको जो अननेसेसरी मटेरियल होता है उसको कट करके ये डंबल शेप का स्पेसिमेन बनता है, ठीक है? तो फिर हम देखते हैं कौन कौन से मशीन है इसके। बोलिए, ये है डाई, इसको हम इसमें फिक्स करते हैं पहले मशीन में, और फिर इसको हम यहाँ जिसका सैंपल बना रहता है वो यहाँ रखते हैं, और इसको ऐसे हम लोग पंच ऐसे करते हैं तो वो प्रेस करके सैंपल कटिंग होता है। ये डाई के थ्रू यहाँ जो है ये शार्प एज होता है, प्रेस करते हैं सैंपल कटिंग होता है। जो सैंपल कटिंग होता है वो डंबल शेप का ये डाई है, देख सकते हैं आप, ये डंबल शेप का डाई है, और ये सैंपल इसी से ऐसे कट होता है, ठीक है? अब देखते हैं दूसरा काउंटर कटर। इसमें क्या करते हैं, सीट को ऐसे करके इसमें हम एलन की के मीडियम से इसको हम टाइट कर देते हैं, नट बोल्ट, यहाँ नट है, इसको हम टाइट कर देंगे बोल्ट को, ये फिक्स हो जाएगा इसमें। फिर क्या करते हैं, ये कटर है, काउंटर कटर, ये काउंटर वाइज रोटेशन होता है इसका। फिर इसको लेके हम ये टेम्पलेट बोलते हैं, इसको टेम्पलेट में फिक्स कर देते हैं सैंपल, फिर इसको लेके हम ऐसे रोटेट करते हैं तो वो उस शेप में एक्सेस मटेरियल को कट कर देता है। फिर हम लास्ट में जब मेरा फिर सेकंड साइड से ऐसे रोटेट करके फिर इसको ऐसे एक्सेस मटेरियल को कट कर लेते हैं, फिर जो सैंपल बनता है वो ऐसे डंबल शेप में बनता है, ठीक है? तो ये हो गया स्पेशल प्रिपरेशन टेक्निक्स।